गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उसको स्टार्ट किया था अपन ने, और अपन ने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण है वो कर लिया था। आज अपन साइनाइड और आइसोसाइनाइड का एक और नामकरण करेंगे, जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर नामकरण। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नामकरण करेंगे किसके आधार पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर। इधर लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल उससे संबंधित एल्किल साइनाइड, और इधर एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखिए इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम होता है एसिटिक अम्ल। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को सामान्य नामकरण में क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित साइनाइड होगा ये CH3CN, दो कार्बन है, तो इसके आधार पे इसका नाम लिखा जाता है एसिटोनाइट्राइल। तो एसिटिक अम्ल के आधार पर इसका नाम लिखा जाता है एसिटोनाइट्राइल, और एसिटिक अम्ल से संबंधित आइसोसाइनाइड होगा ये CH3NC। तो इसको एसिटिक अम्ल के आधार पे लिखा जाएगा एसिटो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नाम लिखेंगे। अब देखिए एसिटोनाइट्राइल होता है CH3CN, और यदि आपको कह दिया जाए एसिटोनाइट्राइल का IUPAC नाम लिखिए, तो कल आपने IUPAC नाम लिखा था साइनाइड का, ये CN का कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़ा है, तो श्रृंखला में दो कार्बन हो गए, एथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन एथेन, और साइनाइड को IUPAC में कहते हैं नाइट्राइल। तो ये हो गया एथेन नाइट्राइल। तो एसिटो नाइट्राइल का सूत्र CH3CN और IUPAC नाम एथेन नाइट्राइल। एसिटो आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल का यदि अपन को IUPAC नाम पूछ लिया जाए, तो देखिए इसका सूत्र एसिटो आइसोनाइट्राइल का CH3NC। ठीक है, अब देखिए अपन ने आइसोसाइनाइड का IUPAC नामकरण किया था
और बताया था आइसोसाइनाइड का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है एल्किल कार्बिलामीन। तो यहां पे एल्किल के रूप में मेथिल एनसी कार्बिल एमीन। तो साथ में अपन इनके आईयूपीएसी नाम है वो भी लिखते चल रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल के आधार पर इस साइनाइड का नाम एसिटोनाइट्राइल और इसका एसिटो आइसोनाइट्राइल। ये एसिटोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम एथेन नाइट्राइल और ये एसिटो आइसोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम मेथिल कार्बिलामीन। ये तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। तो इससे संबंधित साइनाइड होगा ये, तीन कार्बन है इसमें। तो प्रोपियोनिक अम्ल के आधार पर इस साइनाइड का नाम होगा प्रोपियोन नाइट्राइल। और प्रोपियोन नाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम, श्रृंखला में तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और साइनाइड क्रियात्मक समूह के लिए नाइट्राइल। तो प्रोपियोन नाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित आइसोसाइनाइड ये हो जाएगा CH3CH2NC, ठीक है। अब इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर नाम हो जाएगा प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल। और प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल के आईयूपीएसी नाम की बात की जाए तो यहाँ एल्किल के रूप में है CH3CH2 एथिल और NC को अपन आईयूपीएसी में कार्बिल एमीन। तो प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथिल कार्बिल एमीन। यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एसिटो नाइट्राइल। तो एसिटिक अम्ल के आधार पे CH3CN का नाम होता है एसिटो नाइट्राइल। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एसिटो नाइट्राइल का संरचना सूत्र लिखिए और उसका आईयूपीएसी नाम बताइए। तो एसिटो नाइट्राइल का सूत्र CH3CN और आईयूपीएसी नाम एथेन नाइट्राइल। ये चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सामान्य नाम होता है ब्यूटेरिक अम्ल। चार कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम ब्यूटेरिक अम्ल। तो इससे संबंधित साइनाइड की बात करें तो चार कार्बन वाला साइनाइड ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आधार पर इसका नाम
ब्यूटेरोनाइट्राइल, तो ब्यूटेरिक अम्ल के आधार पे इसका नाम हो गया ब्यूटेरोनाइट्राइल। और ब्यूटेरोनाइट्राइल के आईयूपीएसी नाम की बात करें तो साइनाइड का कार्बन श्रृंखला से सीधा जुड़ा है, तो श्रृंखला में चार कार्बन, चार कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। और साइनाइड को आईयूपीएसी में कहते हैं नाइट्राइल, तो ब्यूटेरोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन नाइट्राइल। इससे संबंधित आइसोसाइनाइड की बात करें CH3CH2CH2NC, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल के आधार पर ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। और ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल के आईयूपीएसी नाम की बात करें तो यहाँ पे CH3CH2CH2 एल्किल के रूप में हो जाएगा प्रोपिल, और NC कार्बिल एमीन। तो ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम प्रोपिल कार्बिल एमीन। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें देखिए आइसो कंडीशन है CH3CH CH3, इसको कहते हैं आइसो कंडीशन। तो कंडीशन के लिए आइसो, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो चार कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को अभी अपन ने कहा था ब्यूटेरिक अम्ल, तो इसका नाम होता है आइसो ब्यूटेरिक अम्ल। आइसो ब्यूटेरिक अम्ल है ये। अब इससे संबंधित साइनाइड की बात करें तो इससे संबंधित साइनाइड ये होगा, तो इसके आधार पर इसका नाम आइसो ब्यूटेरो नाइट्राइल। तो इस आइसो ब्यूटेरिक अम्ल के आधार पर इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेरो नाइट्राइल। और आइसो ब्यूटेरो नाइट्राइल के आईयूपीएसी नाम की बात करें तो देखिए यहां श्रृंखला में तीन कार्बन हो जाएंगे CN के कार्बन को शामिल करते हुए, क्योंकि CN का कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़ा है। अब यहाँ पे एक तो प्रतिस्थापी है और एक क्रियात्मक समूह है, तो अंकन करेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। प्रतिस्थापी का नाम आईयूपीएसी में सबसे पहले लिखा जाता है, ये दो नंबर पे है, और CH3 को प्रतिस्थापी के रूप में मैथिल, टू मैथिल, श्रृंखला में तीन कार्बन, प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन, और CN के लिए नाइट्राइल। तो आइसो ब्यूटेरो नाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम टू मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल। अब इससे संबंधित आइसोसाइनाइड की बात करें तो इससे संबंधित आइसोसाइनाइड ये हो जाएगा, और इसका नाम आइसो ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। आइसो ब्यूटेरो
आइसोनाइट्राइल। तो आइसोब्यूटेरिक अम्ल के आधार पर इस आइसोसाइनाइड का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। और इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो यहाँ पे एल्किल समूह है आइसोप्रोपिल, CH3 को कहेंगे आइसोप्रोपिल। और NC को कार्बिल एमीन। तो आइसोब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम हो गया आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन। तो ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नाम था किसके आधार पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर, और साथ में उनके आईयूपीएसी नाम भी बताए हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। तो ये अपना साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नामकरण है वो कंप्लीट है। अब देखिए, अब अपन करेंगे एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड को बनाने की विधियां। तो इनके बनाने की विधियों में जो पहली है वो है एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड के द्वारा अब देखिए, यदि अपन को एल्किल हैलाइड से बनाना है एल्किल साइनाइड, तो अपन क्रिया कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से। ये पोटेशियम साइनाइड ले लिया, पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम पे प्लस, साइनाइड पे माइनस, और यहाँ CN का जो माइनस है वो कार्बन परमाणु पे होता है, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड के रूप में ले लिया, CH3 को एल्किल के रूप में मेथिल और Cl को हैलाइड के रूप में क्लोराइड। तो ये एल्किल हैलाइड के रूप में ले लिया मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध है, कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है क्लोरीन की, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन और ये निकल जाएगा Cl माइनस के रूप में और CH3 पे आ जाएगा प्लस। अब CH3 प्लस पे अटैक कर देगा CN माइनस। अब CN का माइनस किस पे है? कार्बन पे है, इसलिए डायरेक्टली इसके साथ कौन जुड़ेगा? कार्बन। तो CH3 प्लस और CN माइनस को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा CH3 CN। तो इसको अपन कहेंगे मेथिल साइनाइड। ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पे इसको बताया था अभी अपन ने
एसीटोनाइट्राइल और इसका आईयूपीएसी नाम एथेन नाइट्राइल। तो इस साइनाइड के तीन नाम हो गए, मेथिल साइनाइड सामान्य नाम, एसीटोनाइट्राइल कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर, एथेन नाइट्राइल आईयूपीएसी नाम हो गया। ये तो यहाँ साइनाइड प्राप्त हो गया। अब ये जो Cl- यहाँ से निकला है, ये Cl- जुड़ जाएगा K+ के साथ, तो यहाँ साथ में प्राप्त होगा KCl। तो ये एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड को बनाने का मेथड है। एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड बनाना हो तो क्रिया करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड से। अब देखिए, अब अपन एल्किल हैलाइड के द्वारा बनाएंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। अब यदि अपन को एल्किल हैलाइड ले लिया मेथिल क्लोराइड, अब यदि अपन को एल्किल हैलाइड से बनाना है एल्किल आइसोसाइनाइड तो क्रिया करवाएंगे सिल्वर साइनाइड से। सिल्वर साइनाइड से क्रिया करवाएंगे। अब देखिए, पोटेशियम साइनाइड है वो एक आयनिक यौगिक होता है। पोटेशियम साइनाइड है वो एक आयनिक यौगिक होता है और इसमें Cn का माइनस है वो किस पे होता है, कार्बन पे होता है। अब जो सिल्वर साइनाइड है, सिल्वर साइनाइड एक सहसंयोजक यौगिक होता है। सिल्वर साइनाइड एक सहसंयोजक यौगिक होता है और इसमें क्या होता है, लोन पेयर के कारण, इसमें लोन पेयर के कारण Cn का माइनस आवेश है वो नाइट्रोजन पे होता है। यहां Hg पे हो जाएगा प्लस और Cn पे माइनस, और इसमें Cn का माइनस आवेश किस पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा लोन पेयर के कारण। ठीक है, अब देखो पोटेशियम साइनाइड में Cn का माइनस किस पे था, कार्बन पे, क्योंकि एक आयनिक यौगिक होता है और HgCn एक सहसंयोजक यौगिक होता है और इसमें Cn का माइनस है वो लोन पेयर के कारण किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है। ठीक है, तो देखिए एल्किल हैलाइड में वही होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच बंद, विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज्यादा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, क्लोरीन, यहां से निकल जाएगा Cl माइनस और CH3 पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए CH3 प्लस पे अटैक करेगा Cn माइनस और यहां Cn पे माइनस किस पे है, नाइट्रोजन पे है, तो CH3 प्लस से डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो अपन को प्राप्त होगा CH3NC। अब CH3CN तो था एल्किल साइनाइड और CH3NC, NC कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, आइसोसाइनाइड, तो ये यहां बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड। प्लस साथ में Hg प्लस Cl माइनस साथ में बन जाएगा HgCl। तो इस प्रकार अपन एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड दोनों को बना सकते हैं। एल्किल साइनाइड बनाना हो तो एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से, जो कि एक आयनिक यौगिक होता है, और एल्किल आइसोसाइनाइड बनाना हो तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं, जो कि एक सहसंयोजक यौगिक होता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है।
समझाइए कैसे। तो आपको इसमें यही बताना है के सी एन एक आयनिक यौगिक होता है, इसलिए इसमें सी एन का माइनस है वो कार्बन पे होता है, इसलिए यहाँ कार्बन श्रृंखला पे डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, इसलिए एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा। जबकि सिल्वर साइनाइड एक सहसंयोजक यौगिक होता है और इसमें लोन पेयर के कारण सी एन का माइनस किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है, इसलिए यहाँ कार्बन श्रृंखला से सीधा कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसलिए एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाने की पहली विधि है एल्किल हैलाइड के द्वारा। अब देखिए इनके बनाने की विधि में दूसरी है गिरनार विकर्मक के द्वारा। अब गिरनार विकर्मक के द्वारा केवल एल्किल साइनाइड को बनाया जा सकता है और गिरनार विकर्मक से एल्किल साइनाइड बनाने के लिए क्रिया करवाते हैं इसकी साइनोजन क्लोराइड से। तो देखिए गिरनार विकर्मक होता है RMgX, R की जगह ले लिया CH3, X की जगह Br, तो ये गिरनार विकर्मक हो गया मेथिल Mg मैग्नीशियम Br ब्रोमाइड, तो ये आपका गिरनार विकर्मक हो गया। अब गिरनार विकर्मक में देखिए कार्बन श्रृंखला जुड़ी होती है मैग्नीशियम धातु से और धातु पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए गिरनार विकर्मक की कार्बन श्रृंखला पे होता है नेगेटिव। साइनोजन क्लोराइड होता है CnCl, साइनोजन क्लोराइड होता है CnCl, ये साइनोजन क्लोराइड है। अब देखिए साइनोजन क्लोराइड में बंद है क्लोरीन और कार्बन के बीच। अब कार्बन की विद्युत ऋणता होती है 2.5 और क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 3.2, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है तो यहां क्लोरीन पे रहेगा माइनस और CN पे रहेगा प्लस। तो गिरनार विकर्मक में CH3 पे क्या है, माइनस है, तो CH3 माइनस से जुड़ जाएगा CN प्लस, तो CH3 माइनस CN प्लस, ये हो गया CH3 CN, ये बन गया आपका एल्किल साइनाइड मेथिल साइनाइड प्लस CL माइनस है वो जुड़ जाएगा Mg प्लस से,
तो Mg से पहले से जुड़ा है Br, अब जुड़ जाएगा Cl। तो ये इस प्रकार गिंडार विकर्मक की क्रिया साइनोजन क्लोराइड से करवाकर बनाते हैं एल्किल साइनाइड को, ठीक है। तो ये इनको बनाने की दो विधियां हो गई, बाकी विधियां अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।